Let's revise the elements firstly. First five elements. Those who are talking, I'll be asking from then. That's चुप करके आराम से बैठ जाइए बेटा. हाँ जी. सो लास्ट सेकंड एक्स स्टैंड अप बेटा. फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड थर्ड बेटा स्कीम इट शुड बी ऑन योर टिप्स. मैं बोल रही हूँ बार बार, एलिमेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए. मिलन हाइड्रोजन जस्ट अ मिनट बेटा. हाइड्रोजन हीलियम sit down, everyone sit down. Beta, there should not be collective response from your side. I am repeating this thing. मैं दो तीन बारी कह चुकी हूँ. नो नो नो. जस्ट रेज योर हैंड्स. व्हाट इज द स्कीम फॉर लर्निंग दैट? फ्रांस फोर्टीन एल्यूमिनियम के बाद आप एफ भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन कैल्शियम एंड सोडियम. ठीक है. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है. स्कीम है हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस. निगा नागा मैजिस्ट्रेट ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अरिथमेटिक पेपर केयरफुली. ठीक है जी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Write down. So since we have to connect atoms and molecules in this chapter, you are very much familiar with the terms of atoms and molecules. You know this thing. हम first chapter में second chapter में matter पढ़ के आए हैं.
मैटर के क्या क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, वी ऑल हैव स्टडीड दैट. ओके, सो व्हेन साइंटिस्ट दे वर एक्चुअली डिस्कवरिंग दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे कॉल्ड मैटर एज पदार्थ. ठीक है, मैटर को उन्होंने क्या कहा, पदार्थ कहा. ओके, एंड व्हाट दे सेड दैट अ पदार्थ अ मैटर इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. ठीक है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एंड वी कैन डिवाइड इट टू अ वेरी वेरी स्मॉल फॉर्म दैट वी कॉल्ड एज एटम. और एटम को उसने उसको क्या कहा था उन्होंने, परमाणु कहा. दे कॉल्ड एटम एज परमाणु एंड मैटर एज पदार्थ. ओके, सो दिस वॉज डन बाय सम ऑफ द लेटेंट पीपल. ठीक है, जो एंशियंट पीपल थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी. एंड व्हेन द साइंटिस्ट दे कीप ऑन गोइंग फर्दर टू इन्वेस्टिगेट दिस. ओके, सो दे वर ऑफ दिस ओपिनियन दैट द इनडिविजिबल सब्सटेंस इन द मैटर इज द एटम, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो एंटोनी लेवियोसर ही वाज अ साइंटिस्ट हु फर्दर डिस्कवर्ड दिस थिंग. ठीक है, उसने फर्दर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटरी स्टडी की है. राइट, एंड दे वर ऑफ ओपिनियन की मैटर ऐसी चीज है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट इन द टुडे स्टडी वी कैन डिवाइड द एटम फर्दर. ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टडीज. मॉडर्न स्टडी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, बट जो लेटेंट जो लास्ट टाइम की स्टडीज थी उनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो देयर वर सम ऑफ द फिलोसफर्स, नाम बता देती हूँ आपको. ओके, सो देयर वर सम ऑफ द फिलोसफर्स लाइक महर्षि कन्नड, ही ऑल्सो सेड दिस थिंग दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर वी विल गेट द एटम. ठीक है, फर्दर देयर वर सम ऑफ ऑल्सो द ग्रीक फिलोसफर्स लाइक ल्यूसिपस, डेमोक्रेटस एंड एपिक्यूरस, ये भी सेम ओपिनियन के थे. ठीक है, एंड द थ्योरी इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय एंटोनी लेवियोसर. जो इस पे फर्दर एडवांसमेंट हुई हैं वो किसने की हैं, एंटोनी लेवियोसर. एंटोनी लेवियोसर ही गेव टू लॉज, उसने दो लॉज दिए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के. राइट डाउन, ही गेव टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बेटा मुझे इस साइड से बहुत आवाज आ रही है, मैंने किसी को भी देख लिया, मैंने बाहर निकाल देना. टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ very good the first law is law of conservation of mass and the second is law definite or constant proportion. Okay, so write down. Antoni Levioso, he gave this law, the first law in 1774. Law of conservation of mass, Antoni Levioso ne 1774 mein diya tha. According to this, do you know what is Einstein mass energy equivalence relationship? E is equal to mc square. Where what we say is, whatever the energy is, we can convert it into mass, and whatever the mass is, we can convert it into energy. ठीक है, इसी पे ही based ये law है. अब इस law के according क्या है कि आप कोई भी chemical combination में कोई भी chemical reaction हो रही है, आप उसमें बाहर से कोई mass add नहीं कर सकते, या आप उसमें कोई mass जो है वो deduct नहीं कर सकते. Whatever be the mass of the initial reactant, that will be the mass of the products. जो reactant का total mass होगा वही जो products का mass है वो आएगा. और इस definition को हम कैसे लिखते हैं,
मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल कॉम्बिनेशन और इन एनी केमिकल रिएक्शन। कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसमें ना ही कोई मास इंट्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा मास जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जितना आपने मास लिया है उतना ही आपके पास मास जो है वो प्रोडक्ट्स का आएगा। ओके, सो यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but can be converted from one form to another, ठीक है, and that is according to the mass Einstein relationship, ठीक है, E is equal to mc square। कहते हैं अगर एक्स्ट्रा मास है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, बट एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ भी नहीं आया, जितना था पहले उतना ही बाद में आया। अगर आपको मास नहीं दिख रहा है वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में होगा, बट होगा वहां पे। ओके, सेकंड डेफिनेशन, और करके आप लिख सकते हो उसकी दूसरी डेफिनेशन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is equal to the total mass of the products in any chemical reaction. Total mass of the reactants is equal to the total mass of the product in any chemical reaction. Clear? In any chemical reaction, now how this thing was actually proved experimentally, कि जो total mass है वो conserved रहता है, उसके लिए क्या किया गया, क्या एक experiment perform किया गया था, in which he took a conical flask. ठीक है, ऐसे एक कॉनिकल फ्लास्क ली, इन दैट कॉनिकल फ्लास्क ही एडेड बेरियम क्लोराइड, ठीक है जी, इसको सेपरेटली वे कर लिया जो कॉनिकल मास का, ठीक है, जो कॉनिकल फ्लास्क का जो मास था उसको डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस खाली फ्लास्क को वे करते हैं, ठीक है, एम्प्टी फ्लास्क को वे करते हैं, एम्प्टी का वेट आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद हमने उसको फिल कर लिया बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, वो किस किस का मास आ गया, बेरियम क्लोराइड और फ्लास्क का, फिर हम उसमें से खाली फ्लास्क का जो वेट है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड का मास आ गया। ओके, इन द सेम वे वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली एंड वी एडेड सोडियम सल्फेट इन इट, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, अगेन सेम करना है, पहले खाली का वे कर लेना है फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट के साथ उसका वे कर लेना है, आपके पास सोडियम सल्फेट का मास आ जाएगा। आ गया, मेरे पास अकेला बेरियम क्लोराइड का मास है, मेरे पास अकेला सोडियम सल्फेट का मास, अकेले अकेले दो मासेस आगे मैंने प्लस कर लिया, दैट विल गिव मी द टोटल मास ऑफ द That will give me the total mass of the reactants. मेरे पास total mass आ गया reactants का, जो इसका mass है और जो इसका mass है, ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, इस tube को इसके अंदर hang करवाना है, ठीक है, जिसमें ये sodium sulphate है, okay? Then हमने इसको tilt कर देना है और जो सारे का सारा solution है वो इसमें pour हो जाएगा, सारे का सारा सॉल्यूशन इसमें पोर हो गया, हाँ, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों मिक्स हो जाएंगे,
जब ये टिल्ट हो गया आपने दोनों को मिक्स कर दिया, दे बोथ विल मिक्स विद ईच अदर, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलके आपको क्या देंगे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, ठीक है, और बेरियम सल्फेट भी जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में निकल आएगा, सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट है वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा। इन दोनों चीजों को आपने सेपरेटली सेपरेटली निकाल लिया, इन दोनों चीजों को सेपरेटली आपने निकाल लिया, दोनों को वे कर लिया, व्हाट यू विल फाइंड और व्हाट ही फाउंड एक्चुअली कि जो इनका टोटल मास आया था इनिशियली वही इनका फाइनल मास आया, ठीक है, जो इनिशियली उन दोनों का मास था वही इन दोनों का मास प्लस करके आया, सो दैट एक्चुअली प्रूव्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट क्लियर है। सिमिलरली यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट विद कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, बताइए क्या आंसर आएंगे इसके, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, सो यू विल मेजर दीज टू फर्स्टली एंड देन यू विल मेजर द मास ऑफ दीज टू, ठीक है, सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, राइट डाउन, हाँ जी बना लो, न्यूमेरिकल्स आप एक आधा कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी डन, चलो जब हो जाएगा बेटा बता देना, डन, चलिए राइट डाउन, इन अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड, इन अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट्स, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म्ड, इट इज फाउंड दैट 3.40 ग्राम ऑफ, इट इज फाउंड दैट 3.40 grams of silver nitrate AgNO3, simple लिख लो AgNO3, it was found at 3.40 gram of AgNO3 combines with 40 gram of AgNO3 combines with 1.5 gram of NaCl, 1.5 gram of NaCl and 2.8 gram of Ag, 2.8
8 ग्राम ऑफ AgCl2 सिल्वर क्लोराइड AgCl2 हाँ जी इज प्रेसिपिटेटेड अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू कैलकुलेट अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू कैलकुलेट द मास ऑफ किसका रह गया है किसका मास नहीं दिया मैंने आपको कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द वेरी गुड टोटल सोडियम नाइट्रेट सो अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन ओके द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एक तरफ रिएक्टेंट्स के मास को प्लस करो दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स के मास को प्लस करो ठीक है और दोनों के बीच में इक्वल टू डालो सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर सोडियम नाइट्रेट का निकालना सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड इट गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट 3.40 है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 1.5 ग्राम है सोडियम क्लोराइड एंड 2.8 ग्राम है सिल्वर क्लोराइड आपने सोडियम नाइट्रेट का मास निकालना है वेरी गुड दैट इज 2.10 ग्राम्स सोडियम नाइट्रेट इज प्रेजेंट ऑन विच साइड रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्ट साइड है ओके सो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स सिल्वर नाइट्रेट नो AgNOC सोडियम नाइट्रेट सो इट विल गिव यू AgCl2 एंड NaNO3 हमने इसका मास निकालना है लास्ट सेकंड एक्स सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास है 3.40 दिस इज प्लस एक्स उसका नहीं पता तो एक्स ले लिया इन दोनों का प्लस करके कितना आया इज इक्वल टू 2.8 प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 4.90 माइनस 2.8 So this is your answer. ठीक है जी चलिए नेक्स्ट राइट डाउन यू हैव टू अगेन कैलकुलेट एक्स वाई एंड जेड ठीक है देयर इज अ सिंपल चार्ट
कैलकुलेट द एक्स वाई एंड जेड. X is 2 grams. 2. Y is also 2 grams. X and Y both are 2, 2. And Z is? बेटा बाहर आओ. Last second X. Come out. Last second X. Solve करो X, Y, Z की values. Come out. बाहर आके. बेटा मैं कितनी बारी point out कर चुकी हूँ. No. Solve the numerical. Come. जल्दी आ जाइए बेटा बाहर. डोंट वेस्ट टाइम. नहीं एक्स एंड वाई बोथ आर 2 एंड जेड इज 2.3 ग्राम्स. जल्दी आ जाओ बेटा. व्हाई यू वेस्टिंग टाइम. क्या बेटा? हाँ हाँ जी समझ आ गया बेटा क्या करना है. इन दोनों को प्लस करो और इसमें से 1.5 माइनस कर दो. अगेन इन दोनों को प्लस करो इसमें से 5 माइनस कर दो. इन दोनों को प्लस करो और इसमें से 3 माइनस कर दो. हाँ इसका 2.3 है आंसर. इन दोनों का 2, 2 है. ओके okay?